हे गाइस, मेरा नाम है अक्षन। वेलकम बैक टू व्हाट्स माय रिव्यू। सो आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र शायर के ट्रेलर के बारे में बात करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मराठी फिल्म महाराष्ट्र शायर का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड ये 2023 की वन ऑफ द मोस्ट हाईली अवेटेड फिल्म है, जिसके ट्रेलर का ड्यूरेशन अराउंड 3 मिनट 10 सेकेंड है। एंड इस ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है म्यूजिक, डायरेक्शन एंड डायलॉग्स। सो इस पूरे ट्रेलर में शाहिद साबड़े की लाइफ जर्नी के ग्लिम्स हमें दिखाए गए। लेजेंडरी शाहिद साबड़े को तो बचपन से ही म्यूजिक एंड गानों का बहुत ज्यादा शौक था, बट यही बात उनके फैमिली को पसंद नहीं थी। एंड इस ट्रेलर में उनके बचपन का सीन है जहाँ पे उन्हें बांधा गया रस्सी से। सो इस फिल्म के ट्रेलर में एक मराठी डायलॉग है जहाँ पे ये बोला गया कि सह्याद्रीचा सिंह आहे पिंजरात नाही अडकू शकत आपण। एंड ट्रस्ट मी, ये डायलॉग मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा, जिससे मैं ज्यादा रिलेट कर पाया, क्योंकि शाहिद साबड़े की तरह का टैलेंट भी आपके दिल से और उस पर आप काम करोगे, 100% डेडिकेशन दिखाओगे, फिर तो किस्मत भी आपके सामने घुटने टेक देगी। अगर आप अपने लाइफ गोल या फिर ड्रीम को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हो एंड उसमें रेवोल्यूशन लाने की क्षमता हो, फिर तो सारा दुनिया भी आपके इशारों पर चलेगी। एंड एग्जैक्टली शाहिद साबड़े में भी वो काबिलियत थी, वो जज्बा था रेवोल्यूशन लाने के लिए, एंड इसलिए वो महाराष्ट्र में इतने जाने जाते हैं। अब उन्हीं के इस वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन को इस फिल्म के ट्रेलर में शोकेस किया गया। सो इस ट्रेलर में आगे शिवसेना पार्टी की स्थापना भी दिखाई और ये भी बताया गया कि शाहिद साबड़े जो है ये बाला साहब ठाकरे को ज्वाइन करते हैं। एंड ये बात मुझे एक्चुअली पता नहीं थी एंड इसलिए सरप्राइजिंग लगी, बट खुशी भी हुई देखिए। आता मराठीत मध्ये फिल्मच्या ट्रेलर मध्ये अंकुश चौधरी यांचा एक डायलॉग आहे, जिथे ते म्हणतात की 20% राजकारण आणि 80% समाजकारण आणि ते 80% मी इथे आलो आहे। आता आजच्या काळात जर प्रत्येक पॉलिटिशियनने असा विचार केला असता ना, तर आपली जनता कुठच्या कुठे पोहोचली असती। सो वो इंग्लिश में कहते ना, बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देर इज ऑलवेज अ वुमेन। एंड एक्झॅक्टली शाहिद साबड़े की लाइफ में थी उनकी पत्नी, जिन्होंने उन्हें हमेशा एक मॉरल सपोर्ट दिया है। अब अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए, उनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए उन्होंने अलग से एक स्ट्रगल किया है, जो इस ट्रेलर में दिखाया और मुझे अच्छा लगा। इस फिल्म के ट्रेलर में और एक मराठी डायलॉग है जो मैं हर एक कलाकार और कंटेंट क्रिएटर को डेडिकेट करना चाहूंगा। कलाकाराच्या चेहऱ्यावरचा दुख रंगाच्या आडे दडवावंच लागतं। सो ट्रेलर में आगे मेकर्स ने गाना भी ऐड किया जिसका नाम है अंबाबाई गोंधळाला ये। तो चाहूंगा कि मेकर्स इस गाने को जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि ये गाना महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। महाराष्ट्र के हर एक गाँव में रहने वाले रहीवासी के दिल में ये गाना अपनी जगह बसाने वाला है। इस फिल्म में एक्टर्स का मेकअप और गेटअप तो अच्छा लग रहा है, बट अंकुश चौधरी का जो गेटअप है उन्हें देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये शाहिद साबड़े से ज्यादा तो नॉर्मल अंकुश थोड़े फील हो रहे, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के साथ अंकुश चौधरी एक मेमोरेबल परफॉर्मेंस डिलीवर करें। तो ये 3 मिनट 10 सेकंड का ट्रेलर मुझे डेफिनेटली इंपैक्टफुल तो लगा, स्पेशली इसकी सेट डिजाइनिंग और प्रोडक्शन क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लग रही है। सो मीनवाइल आपको इस फिल्म का ट्रेलर कितना अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।